अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल विजन्स ऑफ दक्कन। नो लिमिट टू फ्लाइट, उड़ान की कोई हद नहीं। मैं मोहम्मद इरफान खान, इंडिया हैदराबाद दक्कन से आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में कबूतर का पैर कैसा ठीक किया जाए वो बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। ये जो कबूतर देख रहे हैं मेरे सामने, जो बच्चा है जो बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, गिर जा रहा था, बिल्कुल ही ठहर नहीं पा रहा था, अभी ठहर रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। इसके लिए मैंने एक ट्यूब यूज़ की है, वो बताऊंगा आपको। तदहीन ये ट्यूब है, इसको डेली सुबह शाम पैर पर लगाने से इसमें इम्प्रूवमेंट आया है। जो अपने पैरों पर ये खड़ा हो रहा है, ऊपर से गिर गया था, ये गिरने की वजह से इसे चोट लग गई थी। ये ट्यूब ले रहा हूँ मैं, ये ट्यूब इसके पैर पर लगाइए, जहाँ पर ये जॉइंट है। दूसरे पैर पर भी लगाइए जहाँ पर जॉइंट है। उसके बाद इसे थोड़ा सा हल्के से रब करिए, ये बच्चा है, स्मूथली हल्के से रब करिए ताकि इसे तकलीफ ना हो। और इसे भी यहाँ पर थोड़ा पुश करिए, हल्की सी मालिश करने के बाद इसे छोड़ दीजिए। सुबह शाम मैं किया हूँ, ये ट्यूब का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तदहीन स्किन ऑइंटमेंट इसका नाम है, फिर बता देता हूँ। तदहीन स्किन ऑइंटमेंट ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, इंसानों की। ये वेटरनरी से नहीं लिया हूँ, बट ये इंसानों की ट्यूब है। जो भी दर्द होता है बदन पर, कहीं भी चोटें लगती हैं, तो ईजीली ये ट्यूब से जल्दी असर होता है। तो मैंने तो यूज़ किया है, आप भी यूज़ करके देखिए। अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर अच्छे से ना लगे अगर, तो कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा है, किसी को चोट लगी है, अगर ऐसे फर्क हुआ तो बताइए कैसी लगी वीडियो, ये भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अलविदा, अल्लाह हाफिज़।